एवरीवन, मैं हूँ इमा और बहुत बरसों बाद मुझे आया है याद कि हम सबके पास थी एक स्पेशल किताब जिसका नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। स्टार्ट करें। आज की स्टोरी एक बुलेट स्टोरी है, यानी बहुत शॉर्ट बट बहुत पावरफुल। ये स्टोरी है जेनी नाम की एक लड़की की, जिनके लाइफ में अब तक कुछ भी सही नहीं हो रहा था, उनके मन जैसी चीजें नहीं हो रही थी। हम सबके साथ भी ऐसे होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। फिर एक के बाद एक सारी चीजें बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे हम ये सोचने लगते हैं, ये मानने लगते हैं कि शायद अब मेरी लाइफ में कभी कुछ सही नहीं हो सकता, शायद मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसी को प्रूव करती है ये स्टोरी। जेनी के लाइफ में इस कदर सारी चीजें डिप्रेसिंग हो गई थी कि उन्हें अब लगने लगा था कि चीजों को किसी भी हाल में चेंज होना होगा। अगर मेरे हालात, मेरे सिचुएशंस अगर नहीं बदले तो मैं इस लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। पर लाइफ कोई जॉब नहीं है कि रिजाइन कर दो, मुझे नहीं करना आगे कंटिन्यू। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, हमारी परिवार वाले, ये हमें बांध के रखते हैं एंड वी जस्ट कांट लीव अवर लाइफ एंड वी कांट लिव अवर लाइफ। ऐसी सिचुएशन में जेनी ने सोचा कि अब एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे मैं द सीक्रेट बुक को पढ़ ही लेती हूँ। जब उन्होंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तब उन्हें ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बुक है। भले ही ये आगे मेरे फ्यूचर में कुछ मुझे बड़ा हासिल करके दे या ना दे, एटलीस्ट अभी के लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा फील करवा रही है, मेरे स्पिरिट्स को लिफ्ट कर रही है, मुझे हाई वाइब्रेशन में लेके जा रही है। सो इट्स अ गुड बुक, ऐसे उन्होंने सोचा। जेनी ने इस बुक को लास्ट ऑप्शन के तौर पे पढ़ना स्टार्ट किया था, जबकि यही उनका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। पॉजिटिविटी, अपने एटीट्यूड को चेंज करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लाइफ में, हर एक सिचुएशन में। वो एक सिंगल लड़की थी, उनके लाइफ में कोई लव नहीं था। वो हाईली एजुकेटेड थे पर उनके पास एक अच्छी मनपसंद ड्रीम जॉब नहीं थी। जो भी जॉब थी वो टेम्पररी जॉब्स थे। 30 साल के होने वाले थे वो, पर अब तक उनका खुद का घर नहीं था, वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। एंड एक इंडिपेंडेंट बनने की इच्छा उनके अंदर थी पर वो भी वो अब तक नहीं कर पाए थे। मुझे खुश होने के लिए कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी, छोटी छोटी चीजें ही काफी थी। बट पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे वो छोटी छोटी चीजें भी, वो छोटी छोटी खुशियां भी मेरे लिए मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हम सबने फील किया है और इसके पीछे का कारण होता है कि हम ऐसा फील करते हैं, क्योंकि जो हम फील कर रहे हैं, जो हम मानते हैं, सोचते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते जाते हैं। सो जेनी इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी, वो ऐसे थॉट सोचने लगी थी और वो और अपनी कंडीशन को खराब करते जा रही थी अपने आप, है ना। खैर, द सीक्रेट बुक को पढ़ने के बाद उसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं, जैसे विजुअलाइज करो जो भी तुमको चाहिए, मांगो, क्लियरली मांगो कि तुम क्या चाहते हो, वो सोचो, वो ही बोलो, वही मांगो और बस बिलीव करो। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया, उनको बहुत अच्छा फील होता था, इंस्पिरेशन मिलता था और उनकी लाइफ चेंज होने स्टार्ट हो गई। सिर्फ चेंज नहीं, एग्जैक्टली वैसी ही लाइफ उन्हें मिलने स्टार्ट हो गई जैसे उन्होंने सोची थी। ये सब हुआ सीक्रेट पढ़ने के 2 महीने बाद। उन्हें एक बहुत अच्छे कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, जो उनका ड्रीम कंपनी थी, उनका ड्रीम जॉब था, वहां पे उन्हें जॉब मिल गया, वो भी परमानेंट जॉब। जॉब इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम पूरा दिन जॉब ही करते हैं, यानी आधी लाइफ हमारी जॉब में चली जाती है। सो हम क्या जॉब कर रहे हैं ये भी हमारे पर्सनालिटी पे, थॉट्स पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर करता है। सो मनपसंद जॉब मिलने से ज्यादा खुशी वाली बात करियर में और कोई नहीं हो सकती। और इन्हें वो जॉब तो मिला, पर वो इंटरव्यू लेना देना, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में वो हमेशा सोचा करती थी। उस इंसान को देखकर उन्हें लगा कि ये ही तो सारी क्वालिटीज मुझे अपने पार्टनर में चाहिए थी, यही मैं अपने मनोमन में सोचती थी। उनकी लाइफ सेटल होना स्टार्ट हो गई थी।
अब वो जल्द ही अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने खुद के घर में शिफ्ट होने वाली है। द जॉब इज रियली गुड, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है और हर एक चीज ठीक वैसी ही हो रही है जैसा वो चाहती थी। ये स्टोरी भले ही छोटी हो, उन्होंने भले ही डिटेल में ना लिखा हो कि एग्जैक्टली क्या किया क्या नहीं किया, मैं जानती हूँ कि जो आप सब लोग सुन रहे हो, आपके मन में इच्छा होगा कि हाँ मुझे भी जॉब चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी पार्टनर चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं कौन सी टेक्निक करूँ, मैं कौन सा स्टेप लूँ, मैं कितने बार पढ़ूँ, मैं कितने बार लिखूँ। बट इसका आंसर इस स्टोरी में ही है। आपको हजार तरीके की चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक रोतुलू सड़ू देवदास इंसान से आपको एक हसमुख हैप्पी और मस्त मौला इंसान बनना है और कुछ नहीं। पूरा का पूरा सीक्रेट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही एक है कि आप एक अच्छे पॉजिटिव हसमुख इंसान बनो, वैसी ही पॉजिटिव हैप्पी हंसाने वाली थैंक यू बोलने वाली चीजें आपके लाइफ में आएंगी। जस्ट एज सिंपल एज दैट। खुश होने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, खुश होने के लिए कोई विधि नहीं करनी पड़ती है आपको, आपको बस आपका फोकस शिफ्ट करना होता है। ये नहीं है, ये ऐसा हो रहा है, वो खराब है, इसने मुझे ऐसे बोला, वो हो रहा है, उससे चेंज करके हाँ ये इंसान मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो चीज मेरे लाइफ में बहुत अच्छी हुई थी, मैं इस क्वालिटी में बहुत अच्छी हूँ। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम मिलके वो कर लेंगे, किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आने का पूरा प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग जो अभी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, उन्हें ये बात नहीं कनेक्ट होगी, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज उन्हें अर्जेंट बेसिस पे सोल्यूशन चाहिए। अभी के अभी एक किसी प्रॉब्लम को ठीक करना, फिर बाद में पर्सनालिटी पे काम करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है, जो स्वाभाविक है, किसी को भी लग सकता है। बट यही आपको पहले करना है। जिस तरह जेनी ने कहा कि मैंने सीक्रेट को लास्ट ऑप्शन सोचा बट ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था, उसी तरह पर्सनालिटी को चेंज करना, एक हैप्पी पॉजिटिव इंसान बनना आपका लास्ट ऑप्शन नहीं, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई, बहुत महीनों पहले एक कमेंट आया था जो लड़की अपने फ्रेंड के लिए कुछ पूछ रही थी कि उसके साथ ऐसा ऐसा है, बहुत कुछ ब्रेकअप टाइप्स कोई सिचुएशन थी, वो क्या करे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मूवी देखो द सीक्रेट, क्योंकि पढ़ाई बुक पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने उन्हें कहा कि मूवी देखो, उस सार को समझो, ये मेरा बोलने का मतलब था। उन्होंने बोला मूवी तो देख लेंगे, आप पहले बताओ कि हमें क्या करना है। सो ये एटीट्यूड से हमें नहीं चलना है। पता नहीं मैं कितने क्लियरली अपनी बात रख पा रही हूँ, कितने क्लियरली आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बट हमारे नजरिए को, हमारे स्वभाव को, हमारे रिएक्शंस को, हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना यही फर्स्ट स्टेप है। बाकी जब आप हम इन सारी चीजों पे हम जब काम करने लगेंगे ना, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, आपको अलग से बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक 5 problems 1 solution, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर नेचर। और ये कैसे चेंज होगा, तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उन चीजों का हमारे पर्सनालिटी पे असर होता है, इन्हीं चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो अच्छे वीडियोस देखो, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस हो गए, जो भी चीजें आपको पसंद है, जिस तरीके का आपको बनना है उस तरीके की चीजें सुनो, बोलो और देखो, एज सिंपल एज दैट। तो जब हम इस सारी चीजों से दूर चले जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ना कुछ दिन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हर एक चीज सोचना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमें कंटिन्यूसली टच में रहना होगा। जैसे घर से बाहर निकलते ही वाईफाई का सिग्नल चला जाता है और मोबाइल का डेटा बंद हो जाता है, राइट, हमें उस सिग्नल में रहना होगा, वाईफाई के आसपास रहना होगा, तभी मोबाइल में इंटरनेट चलेगा। उसी तरह हमें कंटिन्यूसली स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी या मोटिवेशन, जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ में, उसके संगत में रहोगे तभी वो चीज आपके अंदर बरकरार रहेगी। अगर नहीं रहोगे तो वो धीरे 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 निकलते जाएगी। इसमें आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, हम इंसान प्रजाति का नेचर ही ऐसा है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सोचकर खुद को कोसते रहने से अच्छा
अभी से कुछ ना कुछ एक्शंस लेके हम सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, उसे चेंज नहीं कर सकते, बट जो होने वाला है आगे उसे हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग इतने शैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि अब उनका मन नहीं करता आगे कुछ चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँ लाइफ में। बट आप एक साइकिल को रिपीट कर रहे हो, आप एक हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हो। अभी आप सोच रहे हो कि जो होगा होने दे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बट कुछ साल बाद आप फिर से आज जहाँ हो वहीं पे रह के रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो जब सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब पावर है हमारे पास, तो क्यों हम उस पावर को यूज़ ना करें। हमारे थॉट्स बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमें बस एक छोटी सी चीज़ करनी है कि थॉट्स की दिशा को कंट्रोल करना है। जिस तरह जब आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो तो आप ऐसे हाथ छोड़ के नहीं बैठ जाओगे कि कहीं भी जा रही है गाड़ी, जाने दे। आप कंटिन्यूसली उसको दिशा दिखाते रहते हो, डायरेक्शन देते रहते हो। उसी तरीके से थॉट्स को डायरेक्शन देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। एंड मैं जानती हूँ हम सब मिलकर ये करेंगे। ये हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये जर्नी है, इसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। एक कमेंट आया है, हमेशा आता है, गजराज उनका नाम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सुनो, क्योंकि कमेंट में ये सारी चीज़ें समझाना इजी नहीं होता। रिप्लाई तो मैं देती हूँ आपको, लेकिन ये सभी के लिए बात है। तो गजराज जी ने मुझसे पूछा कि आपने लास्ट वीडियो में बताया मैंने कि अफर्मेशन लिखना है, पर कितने बार पढ़ना है ये नहीं बताया। तो ये कोई मंत्र जाप नहीं है कि हम 21 बार पढ़े, 51 बार पढ़े, कितने बार लिखे। स्कूल के बच्चों की तरह हम क्यों इस बात को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता सच में। ये फीलिंग का काम है गजराज जी, अगर आप फील ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप 10 बार पढ़िए, आप 50 बार पढ़िए, आप 100 बार लिखिए, कुछ भी नहीं होगा अगर आप मन में वही चिंता वाले थॉट सोच रहे। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी, पर मैं लिख कह रही हूँ मैं तो पास हूँ, मैं पास हूँ, मैं पास हूँ, मन में फिर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। मन में साइकिल चलता रहता है कि मम्मी को क्या बोलूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, यूट्यूब पे क्या मुंह दिखाऊंगी, पर मैं लिखते जा रही हूँ कि मैं पास हूँ, मैं पास हूँ, मैं पास हूँ। तो मैं कितने भी बार लिख दूँ, मैं पूरी बुक भी भर दूंगी ना, ऐसे उसका कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से समझ रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं पूरी तरीके से। और मैं इसीलिए वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है ना जिन्होंने, वो इसे सही तरीके से समझ लें। पर मेरे हर वीडियो देखने के बाद भी अगर ऐसा ही कमेंट आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, हमारा स्टाइल मैच नहीं करता होगा, या तो मैं असमर्थ रह रही हूँ आपको समझाने में अपनी बात अच्छे से। सो मैं अपने आप पे काम करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाऊँ। लेकिन आप भी अपने आप पे काम करिए कि आप देखिए, सोचिए, समझिए कि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मैं लिखती हूँ वो मैं अट्रैक्ट करती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं अट्रैक्ट करती हूँ, ऐसा है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो मैं मानती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो मैं अट्रैक्ट करती हूँ। आपको आपकी व्यक्तित्व पे काम कर, व्यक्तिमत्व या व्यक्तित्व क्या बोलते, देखो इसलिए मैं कितने में सिंपल और सिंपल भाषा में नहीं समझा सकती। आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना होगा, आपको जिंदगी को खुश मिजाज तरीके से जीना होगा, हैप्पी रहकर। छोड़ो सारी गंदी नेगेटिविटी टेंशन वाली बातों को, जो होगा देख लेंगे। कुछ गलत भी हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ये तरीका हमारा होना चाहिए, हर एक चीज़ अच्छी होगी। मैं जानती हूँ कभी कभी हमारे सामने गलत गलत होने लगती है चीज़ें, राइट? मतलब दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, तो क्या करूँ? तो उस समय सोचना है कि मैं क्या सोचती हूँ उस समय, बताती हूँ कि ये गलत तो हुआ पर कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ होगा। मैं पूरी सिचुएशन को सोचती हूँ, मैं सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा होगा, उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या फील किया होगा, उसने क्यों ऐसा एक्शन लिया होगा, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न समझने की कोशिश करती हूँ, साइकोलॉजिकल। और फिर मैं अपने थॉट सोचती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया क्या, सही किया क्या।
मतलब मैं एनालाइज करती हूँ सिचुएशन को, उसमें कुछ सीखने लायक लेसन है क्या वो देखती हूँ, सीखती हूँ, फिर जो होगा अच्छा होगा बोल के छोड़ देती हूँ। जो भी हुआ होगा किसी ना किसी अच्छे रीजन के लिए ही हुआ होगा, देख लेंगे ना। तो मैं हमेशा ना चीज़ों में घुसती नहीं हूँ पूरा, मैं अवॉइड करती हूँ, मैं अपना ध्यान भटका देती हूँ, मैं उस डीप में जाती ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ऊपर ऊपर हाँ अवॉइड करते रहती हूँ उन सारे टॉपिक्स को ये। और फिर कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आ जाती है और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। 50-100 बार लिखने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो आप इसको किसी विधि की तरह, किसी पूजा के प्रोसेस या मेथड की तरह मत फॉलो करिए, यही मुझे बोलना है। सो आई जस्ट विश, आई होप, आई प्रे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले हर एक इंसान को सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बी हैप्पी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब लोग सुखी रहे और सबको सही मायने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाए।